Hey guys, welcome to Tech Gyan. तो आज हमारे पास है IQ Z6 phone, जिसका हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ये आता है 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में, प्लस वर्ल्ड का फर्स्ट 4th जनरेशन Snapdragon प्रोसेसर मिलता है, और हमें साथ ही साथ इसमें मिलता है 5000 mAh का बैटरी, प्लस 6.5 इंच का डिस्प्ले, टच डिस्प्ले मिलता है। तो इसको हम करेंगे अभी ओपन और आपको दिखाएंगे इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। और एक चीज नोट करने की है, अगर आप बजट फ्रेंडली 5G फोन देख रहे हैं तो ये आता है अंडर 15,000। फटाफट हम इस बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं कि क्या क्या इस बॉक्स में हमें मिलता है। कवर को हम हटा देते हैं यहाँ से, और ये कुछ बॉक्स कवर हटाने के बाद थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक सील दी गई है, तो उसको भी हम हटा लेते हैं। ये हमने सील को भी हटा दिया है, और यहाँ पे भी एक सील दी गई है, हम उसको भी हटा देते हैं। इसको भी हटा दिया है, और अब हम देखते हैं बॉक्स ओपन करके। तो बॉक्स ओपन करते हैं तो हमको येलो ही मिलता है, और इस पे देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये कुछ IQ की बैजिंग दी गई है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ दिया गया है। तो इसके अंदर हमें मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसको रखते हैं साइड में। और ये मिलता है हमें एक ट्रांसपेरेंट कवर इसके साथ में, तो इसको भी रखेंगे हम साइड में और बाद में देखते हैं। तो ये आ गया हमारा फोन, तो हम फोन को फटाफट निकालते हैं और देखते हैं कैसे लगता है। तो ये हमारा जो कलर है वो है IC Blue कलर, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो फटाफट हम इस रैप से इस फोन को निकालते हैं और फिर देखते हैं डिटेल में। तो इस रैप को कर रहा हूं मैं ओपन, तो ये रैप को हटा दिया गया है, और जो एक टेक्सचर दिया है, ग्लॉसी टेक्सचर दिया है गया है मैट फिनिश के साथ में। और यहाँ पे आपको मिलते हैं दो कैमरा। अभी तो मैंने सुना था 5G सिम आने वाला है, बट ये 5G कैमरा आ गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे इस कैमरे में 5G लिखा हुआ मिलता है। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलता है AI कैम, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि ये AI कैमरा है। तो इसमें हमें मिलता है 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा, तो ये जो कैमरेज हैं वो 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है। और फ्रंट में हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर हम बात करें इसकी साइड प्रोफाइल पे, तो ये कुछ स्मूथ डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पावर बटन के साथ में आपका टच ID दिया हुआ है, और ये पावर ऑन अप एंड डाउन का बटन दिया है। यहाँ पे हम अगर हम टॉप में जाते हैं तो हमें यहाँ मिलता है सिम ट्रे, और अगर हम साइड में जाते हैं दूसरी साइड तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें मिलता है 3.5 mm का जैक, प्लस सी टाइप चार्जिंग पोर्ट एंड माइक एंड स्पीकर्स। तो ओवरऑल जो फ़ोन है वो देखने में बहुत अच्छा है, और एक लाइट वेटेड फ़ोन है, और हाथ में भी अच्छा ग्रिप आ रहा है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो देखने में अभी भी लग रही है वो है इसका बैक, एकदम ग्लॉसी दिया गया है। तो इसके कवर को करते हैं हम इसमें फिट, तो मैंने इसके कवर को कर दिया है इसमें फिट। और कवर डालने के बावजूद भी जो इसमें ग्लिटर है ना, वो बहुत शाइन कर रहा है। तो मैं फ़ोन का प्रोफाइल एक बार डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ बैक से हमें ऐसा दिख रहा है, और ये साइड से दिख रहा है, और यहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट, माइक एंड स्पीकर एंड 3.5 mm जैक मिलता है, और यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है, और ये आपके दोनों कैमरेज मिलते हैं। तो इस फोन को अभी हम करेंगे ऑन। ऑन करने से पहले मैं इस फोन को रखता हूँ साइड में और देखता हूँ बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में कुछ ये मिलता है, बार कोड जिसका हमें कोई यूज नहीं, इसको भी हम अलग करते हैं। और फिर यहाँ पे अंदर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ कटआउट्स मिलते हैं, और ये हमें मिलता है इसमें USB 2C type चार्जर केबल, तो ये दिया गया है सी टाइप केबल, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमें दी हुई है सिम इजेक्टर टूल, तो इसको भी साइड में करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्होंने गोची कर दी है, और फाइनली इन्होंने चार्जर गायब कर दिया है। ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है, थैंक्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द प्लैनेट बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। इसका मतलब इन्होंने हमारी काट ली और चार्जर गायब कर दिया। तो इस फोन में जो हमें डिस्प्ले मिलता है, ये 6.5 इंच का डिस्प्ले,
और यहाँ पे 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया गया है, सेल्फी कैमरा दिया गया है, और बैक साइड में जो कैमरे दिए गए थोड़े से बम्प्स बाहर निकल के आते हैं इसके, बट ये जो ओवरऑल फ़ोन है देखने में अच्छा लग रहा है। और अभी हम इस कैमरे को टेस्ट करेंगे, 5G कैमरे को टेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसा निकल के आता है, क्योंकि अभी मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कैमरा दिखाया है जिस पे 5G लिखा हुआ हो। तो ये कर दिया है मैंने फ़ोन को ऑन, और ये हो लिख के आ रहा है IQ 5G पावर्ड बाई एंड्रॉयड। तो जैसे ही फ़ोन ऑन होता है हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में और देखेंगे कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस आते हैं। तो हमारा फ़ोन हो रहा है रेडी, तो जब तक हमारा फ़ोन रेडी हो रहा है तब तक आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ फटाफट मिलते रहें। तो फाइनली हमारा फ़ोन हो गया स्टार्ट, और अब हम इस फ़ोन का डिस्प्ले देखते हैं। तो ये हमें मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि आता है 120 हर्ट्ज FSD स्क्रीन के साथ में। तो जो इसका टच एंड फील है वो बहुत ही स्मूथ है। और अभी हम फटाफट चलते हैं सेटिंग्स में फ़ोन का स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलता है अबाउट फ़ोन, तो ये आता है हमारे 12 फन टच OS के साथ में। और यहाँ पे मिलता है हमें 2.0 Snapdragon 4th जनरेशन का फर्स्ट मोबाइल ऑक्टा कोर प्रोसेसर प्लस 6GB रैम एंड एंड्रॉयड 12 128GB स्टोरेज। तो इस फोन को करते हैं हम अनलॉक और देखते हैं। ये रिस्पॉन्स इसका इतना फास्ट है कि मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तुरंत मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। अभी हम फटाफट चलते हैं इसके कैमरे में, और कैमरा इसका जो है 50 मेगापिक्सल कैमरा है। तो HDR में हम अगर इसका फोटो लेते हैं तो देखते हैं कि कैसा फोटो निकल के आता है। तो ये मैंने इसका फोटो लिया, आपको मैं फोटो की क्वालिटी दिखाता हूँ। तो ये फोटो की क्वालिटी भी अच्छी आई है, जो पिक्सल्स से बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो हमें इसमें मिलते हैं नाइट मोड का ऑप्शन, पोर्ट्रेट का ऑप्शन, फोटो का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन एंड मोर। मोर में अगर हम जाते हैं तो ये स्पेशली 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिया हुआ है और एक प्रो ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम प्रो में जाते हैं क्योंकि हम लोग हैं प्रो। तो प्रो में क्या है कि आपको ये सब सेटिंग्स, जैसे कैमरा DSLR कैमरा होता है ना, वो ऐसी सेटिंग्स मिल जाती है। तो अगर मैं इसका फोटो लेता हूँ टैप करके फोकस के साथ में, तो ये जो मैंने फोटो लिया है वो जो क्वालिटी फ़ोटो का है वो बहुत ही क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। और अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो एक एक पिक्सल्स मुझे दिख रहे हैं।